नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में बात कर रहे हैं ब्लड यानी रक्त के बारे में। जिस एग्जाम में जनरल साइंस या बायोलॉजी पूछी जाती है उस एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे, ब्लड में क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा RBC यानी एरिथ्रोसाइट के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन WBC और प्लेटलेट के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लूँगा। फिलहाल बात करते हैं ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ बायोलॉजी यानी माफ कीजिएगा स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त के निर्माण यानी ब्लड फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हीमोपोइसिस। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच, ब्लड की पीएच क्या होती है, ब्लड का नेचर क्या होता है। तो ब्लड की पीएच 7.4 होती है, इस हिसाब से ये हल्का क्षारीय यानी इसकी बेसिक नेचर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड पाया कितना जाता है। एक फर्स्ट मनुष्य में जो मेल होता है उसके अंदर 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड पाया जाएगा, जबकि जो फीमेल है उसमें 4 से लेकर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो ब्लड होता है ये एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन एक आभासी संयोजी ऊतक है, ये सत्य संयोजी ऊतक नहीं है। इसका कारण क्या है कि इसको आभासी संयोजी ऊतक कहते हैं। पहला कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं, आपको पता है तंतु पाए जाते हैं, लेकिन इसमें तंतु नहीं होते। दूसरा कारण ये है कि जो इसकी सेल्स होती है ब्लड की यानी WBC RBC, इनके अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। जो सेल्स होती है ब्लड सेल्स, ये पुराने वाली ब्लड सेल्स से नहीं बनती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि जो इसका प्लाज्मा यानी जो मैट्रिक्स होता है वो भी खुद RBC या ब्लड के द्वारा सिक्रेट नहीं होता है, किसी भी कोशिकांग से नहीं होता है ब्लड के अंदर। ये होगा जो बाहर जो लीवर की रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती है, लीवर की रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से सिक्रेट होता है, तो इस वजह से इसको हम आभासी संयोजी ऊतक कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड में क्या क्या होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो 55% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा का होता है, इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो इसका 45% हिस्सा है वो रक्त कणिकाओं का बना होता है यानी ब्लड कॉर्पस्कल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा वाले हिस्से के बारे में, जो कि ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। जो प्लाज्मा होता है ये भी आगे जो इसका हम डिवीजन करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा का, तो इसमें 90 से लेके 92% जो हिस्सा है ये पानी ही है, वाटर। बाकी का जो 8 से लेके 10% हिस्सा होगा वो सॉलिड है। इस सॉलिड के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपके सब्सटेंस होंगे। अब बात करते हैं प्लाज्मा के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पार्ट है उसमें क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया जो सॉलिड पार्ट है वो 8 से लेके 10% के आसपास है। इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो इसमें आपके आ जाएगा भाई NaCl,
जो कि सामान्य लवण है हमारी बॉडी में। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा कुछ जो आयन होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, ये भी इसी में आ जाएंगे। गैसेज होती है वो भी इसमें पाई जाती है। इसके अंदर अगर हम 100 ml ब्लड की बात करें तो इसमें 0.29 ml ऑक्सीजन होती है, 0.5 ml इसमें नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा 5 ml इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट प्लाज्मा का। अब हम ऑर्गेनिक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा के ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्गेनिक पार्ट, जो मेनली प्रोटीन से ही बना होता है और यहां से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर जो प्रोटीन है वो पहली होती है एल्ब्यूमिन। ये रक्त प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन होती है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। चार % होती है यानी सबसे अधिक होती है एल्ब्यूमिन। इसका जो निर्माण है ये यकृत यानी लीवर में होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कोलाइडी प्राशन दाब का नियमित रखना। ये प्राशन दाब का नियमन करती है जो कि 28 से लेके 32 mmHg होता है। तो आपको एल्ब्यूमिन समझ में आ गया। दूसरी जो प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन, और ये 2 से लेके 2.5% के आसपास होती है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का अनुपात क्या होता है तो वो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ये 4% है और ये लगभग 2 या 2.5% है। ये जो ग्लोबुलिन होती है इसका निर्माण या तो लीवर में होता है, लीवर, या फिर इसके अलावा जो लिम्फ ऑर्गन होते हैं वहां पर भी इसका निर्माण होता है। 3 तरीके की होती है ग्लोबुलिन। पहली है अल्फा ग्लोबुलिन, इसका निर्माण लीवर में होता है। ये कुछ रसायनों का परिवहन करने का काम करती है, जैसे कि कॉपर का परिवहन करता है फेरुलोप्लाज्मिन, एक इसका एग्जाम्पल है जो कि कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी ग्लोबुलिन होती है बीटा ग्लोबुलिन, ये भी लीवर में बनती है, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन, जो कि आयरन का परिवहन करती है। तीसरी जो ग्लोबुलिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है गामा ग्लोबुलिन। जो गामा ग्लोबुलिन होती है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये एंटीबॉडी निर्माण का काम करती है। एंटीबॉडीज आपने सुना होगा IgM, IgG, IgA, IgE, इसके अलावा IgE। तो ये 5 जो एंटीबॉडीज हैं, इसके बारे में हम किसी और टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि ये 5 एंटीबॉडी है गामा ग्लोबुलिन। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। तो ये कुल मिलाकर 2 ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर 2 प्रोटीन हो गई है, पहली है एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोबुलिन। अब तीसरी जो प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। और ये सिर्फ 0.3% ही होती है, लेकिन इसकी खास बात क्या है फाइब्रिनोजन की,
ये सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। आपको पता ही होगा ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर इसका अहम रोल होता है। ब्लड क्लोटिंग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, शायद हो सकता है अगला या उससे अगले वाला चैप्टर होगा मेरा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे जो फाइब्रिनोजन है ये फाइब्रिन में बदलता है और एक रेशे का निर्माण कर देता है जिसकी वजह से क्लोटिंग होती है। तो ये हो गया फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि चौथी प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन ये एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के द्वारा थ्रोम्बिन में बदलती है। इसके बारे में भी आपको क्लोटिंग वाले जो चैप्टर होगा उसमें डिटेल से बता दिया जाएगा। ये भी 0.3% ही होती है। तो ये होगी प्लाज्मा का जो संगठन है वो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी में सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की शेप के बारे में। ये शेप होती है बाइकॉनकेव, सर्कुलर। इसके अलावा ये इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है। ये स्तनधारी यानी मानव के अंदर इस तरीके की आरबीसी पाई जाती है। इसका अपवाद क्या है? ऊंट और लामा, इनके अंदर बाइकॉन्वेक्स अंडाकार और केंद्रक युक्त यानी इनमें न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है ऊंट और लामा में। तो ये अपवाद है और यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी की स्ट्रक्चर के बारे में। आरबीसी के बाहर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसे कि डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही लचीली होती है ये, जिसकी वजह से अगर जो आरबीसी है इसका सामान्य जो आकार होता है साइज जो 7.5 माइक्रोन होता है मनुष्य में, इस आकार की होने के बावजूद भी अगर जो ब्लड वेसल सिर्फ 5 माइक्रोन की भी होती है तो उसमें से भी ये निकल जाती है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है। प्लाज्मा झिल्ली भी लचीली होती है, इसके अलावा जो इसका संगठन है अंदर वो भी बहुत लचीला होता है, स्पॉन्जी होता है। इसके संगठन में क्या होता है कि मान लो ये एक आरबीसी है, ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है जिसे कि हम डोनन डोनन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक जाल पाया जाता है जो कि प्रोटीन लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। प्रोटीन लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। इस जाल को हम स्ट्रोमेटिन कहते हैं। अब जो ये स्ट्रोमेटिन है जो जाल है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं इस तरीके से। और खास बात ये है कि एक आरबीसी में लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। 26.5 स्ट्रोमेटिन इधर आरबीसी में। अब आरबीसी की खास बात क्या होती है? इसमें ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपल्लवी जालिका जो होती है वो इसमें नहीं होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है नहीं होता है। इसमें गोल्जी बॉडी जो होती है
यानी गोल्जी काय, वो भी इसमें नहीं पाई जाती है। अब इस वजह से, अब आपको पता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें क्रैब साइकिल भी नहीं होगा, क्रैब साइकिल नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। जो आरबीसी होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम तो होते हैं, लेकिन क्रैब साइकिल के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें एवाईवीए श्वसन पाया जाता है, यानी इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो पार्ट से बनता है, पहला है हीम पार्ट, दूसरा है ग्लोबिन। पहले जो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में, वो होता है ग्लोबुलिन और ये होता है ग्लोबिन। फर्क समझ लीजिएगा इसके अंदर, जो ग्लोबुलिन होती है वो प्रोटीन होती है और उसके आगे तीन पार्ट होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। यहाँ पर जो ग्लोबिन है ये भी प्रोटीन ही है और इसकी चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 141 एमिनो एसिड की बनी होती है और बाकी की जो ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 146 एमिनो एसिड की बनी होती है। जो हीम पार्ट है ये सिर्फ 5% ही होता है हीमोग्लोबिन का, जबकि जो ग्लोबिन पार्ट है ये 95% है। अब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पॉलीपेप्टाइड का चेन का चक्कर क्या है। मान लो मैंने आपको बताया है अभी कि चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पहली पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, मैं आपको हीमोग्लोबिन का एक अणु बता रहा हूं, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हीमोग्लोबिन का अणु मान लीजिए आप ये है। अब देखिए यहां पर ये हीम जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ये हीम जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ये हीम जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक ये हिम जुड़ा हुआ है। ये अब आपके सामने एक तरीके से हीमोग्लोबिन है, चार ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन है और चार ही ये हिम जुड़े हुए हैं एक हीमोग्लोबिन के अणु में। अब इसके अंदर जब चार हिम होते हैं और जो एक हिम का अणु होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, हिम जो है पार्ट है, वो ऑक्सीजन एक का एक अणु का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो कुल मिलाकर जो एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो टोटल चार ऑक्सीजन के अणुओं का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यानी करता है। तो ये हो गया आपके हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है एक स्वस्थ मनुष्य में? मेल में होगी आपके लगभग ये 13.5 से लेके लगभग 17 ग्राम पर 100 ml, हम आमतौर पर कह देते हैं कि 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन अगर 13.5 तक है तो ये नॉर्मल ही होता है। अगर फीमेल की बात करें तो ये लगभग 12 से लेके 15.5 ग्राम पर 100 ml होता है, अगर 12 तक है तो ये नॉर्मल ही है। अगला पॉइंट है इसमें हीमोग्लोबिन की क्रिया। ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है तो इसे हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा क्योंकि
ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो इसी तरीके से होता है। जब ये हीमोग्लोबिन है ये ओजोन से जुड़ जाता है तो इसे मैथमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में पूछ लिया जाता है कि जो आयरन होता है उसकी क्या स्टेट होती है, तो Fe प्लस टू होता है। अब अगला है आरबीसी की साइज, साइज मैं आपको बता चुका हूँ, साइज 5.5 माइक्रोन होती है। स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी आरबीसी होती है स्मॉलेस्ट, वो कस्तूरी मृग में होती है। लार्जेस्ट जो होती है वो एम्फियोमा में होती है जो कि एम्फीबियन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिसोसाइटोसिस, ये क्या होता है? आरबीसी का जो आकार होता है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए सामान्य से तो उसे हम एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। मान लो अगर आरबीसी का जो आकार है वो बढ़ गया तो उसे हम मैक्रोसाइट कहेंगे। अगर आकार कम हो गया तो उसे हम माइक्रोसाइट कहेंगे। ये होता कब है? विटामिन B12 की कमी से आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। इधर अगर आयरन की कमी हो तो उसकी वजह से जो आकार है वो घट जाता है। दोनों ही केस के अंदर आरबीसी किसी काम की नहीं रहती है और इनको स्प्लीन में ले जाकर नष्ट कर दिया जाता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो जो एनीमिया होता है वो भी मैक्रोसाइट एनीमिया होता है। अगर आयरन की कमी से एनीमिया जो होता है कॉमन सी बात है, अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया तो हो ही जाएगा, तो उसे हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। अगला पॉइंट है वही केलोसाइटिस, ये क्या होता है? कोई केलोसाइटोसिस आरबीसी की जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन हो जाए, यानी कि मैंने आपको बताया था जो इसकी आकृति होती है वो बाइकॉनकेव सर्कुलर होती है, अगर इसमें परिवर्तन हो जाए तो उसे ही हम पॉलीकेलोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा? अगर इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो आरबीसी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसी तरीके से अगर इसे हाइपोटोनिक विलयन में सॉल्यूशन में रख दें तो आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? जीवन काल 120 से लेकर 127 दिन तक इसका जीवन काल होता है। आरबीसी काउंट कितनी होती है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी कितनी पाई जाती है? तो होती है ये लगभग 47 लाख से लेके आप 60 लाख के आसपास मान सकते हो, 65 लाख 60 लाख के आसपास ये इतनी तक हो सकती है। इसी तरीके से ये मेल में है, अगर फीमेल की बात की जाए तो यही जो ये हो जाएगी 4.2 से लेके लगभग 5.5 तक ये रेंज है। सामान्यतः हम कहते हैं कि जो मेल है उसके अंदर अगर 55 लाख के आसपास है, ये मिलियंस में है, मैंने आपको बताया 4.7 से लेके 6.0 इधर ये भी मिलियंस में है, मिलियंस पर माइक्रोलीटर के अंदर होता है ये मिलियंस, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो 47 लाख से 60 लाख है, मिलियंस में कहेंगे तो 4.7 से लेके 6.0 मिलियंस ये होगी, समझ में। ये तो 55 लाख के आसपास हम एवरेज रूप से लेके चलते हैं और ये हम 45 लाख के आसपास एवरेज रूप से लेके चलते हैं।
जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें लगभग 65 से लेकर 70 लाख पर माइक्रोलीटर तक ये हो सकती है। अब अगला पॉइंट है हीमोपोएटिक ऑर्गन के बारे में, यानी कि कौन सा ऐसा अंग होते हैं जिनमें कि आरबीसी या ब्लड का निर्माण होता है। हीमोपोएटिक ऑर्गन एक व्यस्त जो है मनुष्य, उसके अंदर लाल अस्थि मज्जा जो होती है उसके अंदर रेड बोन मेरो जो होता है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। अब लाल अस्थि मज्जा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लॉन्ग बोन है, उसका ये वाला हिस्सा है, ये स्पॉन्जी बोन होती है, यहाँ पर ही लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड बोन मेरो होता है और इसी में आपके आरबीसी का निर्माण होगा। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है ये तो आपसे पूछा ही जा सकता है कि भाई एक व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहाँ हो सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है वो कि सबसे पहले जब मनुष्य सर्वप्रथम मनुष्य में यानी पैदा होने से भी पहले उसके अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले होगा योक सैक में। योक सैक क्या होता है इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, एम्ब्रोयोलॉजी पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता दूंगा। फिलहाल योक सैक में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा भ्रूणीय अवस्था में ही यानी एम्ब्रोयो स्टेज में ही और भी बाकी के अंग है जहां से बाद में निर्माण होने लग जाता है, वो है प्लेसेंटा, लीवर, स्प्लीन, इसके अलावा थाइमस ग्लैंड। तो ये अंग हैं जहां पर आरबीसी का निर्माण बाद में होगा, लेकिन जब व्यस्क हो जाता है उसके बाद में रेड बोन मेरो से ही आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेड आरबीसी कहाँ। तो डेड आरबीसी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेड आरबीसी स्प्लीन में जाकर नष्ट होती है, स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन में जाकर जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है। कब कि मान लो इमेच्योर है, मैक्रोसाइट है, माइक्रोसाइट है, जब लाइफ स्पान खत्म होने वाला होता है उस टाइम यहाँ पर जाकर वो नष्ट होती है। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने सारे पॉइंट ले लिए हैं। तो ये थी आरबीसी और ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल बस इतना ही, थैंक यू।